हेलो इंजीनियर्स, दिस इज रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लाए हैं एक बहुत ही बढ़िया गैजेट जो है एक रोबोट का सर। तो ये जो रोबोट का सर है ये कंप्लीट हम लोग बनाएंगे। तो फिलहाल अभी इसको किस प्रकार से बनाया है वो आपको दिखाएंगे इस वीडियो में, किस प्रकार से अलग अलग पार्ट्स किस प्रकार से हमने इसमें फिट किया है, कहाँ पे कौन सा सर्वो लगाया है, सब कुछ आपको डिटेल से बताएंगे। और इसका जो सर है इसको थोड़ा अपडेट करेंगे और एक नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से इसको कॉम्प्लीट हम लोग बना सकते हैं। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से इसका सर का जो मैकेनिकल है सब कुछ आपको किस प्रकार से बनाया है आपको दिखाएंगे। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो किस प्रकार से ये रोबोट का सर हम लोग घर पे बना सकते हैं। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई ltm.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। रोबोट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्टिवेट।
अभी आप लोग देख सकते हैं रोबोट का जो अंदर का जो फेस का जो अंदर का चीज है उसको मैंने बना दिया है, तो ये मूविंग करेगा, इस पर मैकेनिकल फिट हो गया है, तो इस पर सिर्फ फेस को लगाना है। और फेस पर आप देख सकते हैं मैंने इस पर आंखें लगा दिया, और आंखें के अंदर एक आंख के अंदर मैंने एक कैमरा फिट कर दिया है जो कि मूविंग करेगा, और कैमरा से हम लोग देखेंगे, और वही कैमरा से हम लोग जो कि सॉफ्टवेयर पे ऑपरेटिंग करेंगे। तो इस आंखों को इस पर इस तरह फिट करेंगे, उसके बाद बाकी सारे पुर्जे हम लोग लगाएंगे। तो ये जो आंखें आप देख रहे हैं इसको किस प्रकार से बनाया है, अगर आपको देखना है तो ऊपर एक आइकन बटन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं ये आंखें किस प्रकार से मैंने बनाया है, और इसको हमने इस पर फिट कर देंगे। तो अभी इसको फिट करके हम लोग देखते हैं, उसके बाद बाकी सारे पुर्जे हम लोग लगाएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं ये जो रोबोट का फेस मैंने बनाया है ये कम्प्लीटली फेस है एक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैकेनिकल के साथ हमने सर्किट को ज्वाइन किया है, और ये सर्वो से कंट्रोल किया है मैंने, ठीक है। तो इसके जो आंखें हैं वो भी घूमता है, और इसका सर भी घूमता है, और इसका नेक्स्ट में और अपडेट करेंगे। इसका नीचे का जो मुँह है वो मैंने एक ग्लू से चिपकाया है अभी, तो ये ऐसे खोलेगा, तो ये खोलने के बाद ये साउंड करेगा। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट दिखाएंगे किस प्रकार से इसका साउंड होता है, एक रोबोट किस प्रकार से बोलते हैं, और इसका मूविंग वगैरह मोशन सेंसर के साथ हम लोग कनेक्शन करेंगे। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको दिखाऊंगा, और इसको मॉडिफाई करके और भी इसको अपडेट करूँगा, इसका जो सर है उसको भी फिट कर दूंगा, तो ये कम्प्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक रोबोट का सर हम लोग 3D प्रिंटिंग के साथ बना सकते हैं, एक्चुअली कंप्लीट रोबोट हम लोग बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।